और एक बड़ी खबर है, शिवसेना सांसद संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंची है। संजय राउत को हिरासत में लेकर पूछताछ संभव है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है शिवसेना के सांसद संजय राउत के आवास पर, उनके घर पर, और कहा यह जा रहा है कि ईडी पूछताछ भी कर सकती है कस्टडी में लेकर संजय राउत को। बहुत बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंची है संजय राउत के घर और वहां बताया जा रहा है कि संजय राउत से पूछताछ होगी। कहा यह भी जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर ईडी हिरासत में भी ले सकती है संजय राउत को और उसके बाद पूछताछ संभव है। लगातार इस पूरी खबर से जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज मुंबई से, शिवसेना के सांसद संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंची है। अखिलेश हमारे सहयोगी ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अखिलेश, कितने बजे की बात है जब ईडी की टीम पहुंची है संजय राउत के घर? इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता, कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी नाइन पर, अभी डाउनलोड करें। जी देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों से, ईडी की टीम पहुंची है। दो गाड़ी में अधिकारी यहां पर आए थे, सीएसएफ के जवान भी उनके साथ में हैं, और ये सुबह ही 6:30 बजे के आसपास यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो पत्रा वाला चाल जो गोरेगांव में डेवलप हुआ था, उसमें जो इनके पार्टनर थे प्रवीण राउत, और उनकी वजह से जो इनकी वाइफ के खाते में पैसे आए थे, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। और इसी मामले में ईडी इन्हें कई बार समन्स भेज चुकी है, लेकिन ये नहीं पहुंचे। और 7 अगस्त का इन्होंने खुद टाइम मांगा था कि मैं 7 अगस्त को पूछताछ के लिए हाजिर होऊंगा, लेकिन ईडी ने 7 अगस्त का वक्त नहीं देते हुए पहले इनके घर पर पहुंच गई है। कहा यह भी जा रहा है अखिलेश की हिरासत में भी ईडी की टीम ले सकती है उन्हें आगे की पूछताछ के लिए, इसकी कितनी संभावना? जी बिल्कुल, इसकी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पिछली बार ही जब समन्स किया गया था तो ऐसी संभावना आई थी कि इन्हें शायद अब हिरासत में लेके पूछताछ करें, क्योंकि कई बार इन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जो प्रश्न पूछा था ईडी ने उसके संतोषजनक जवाब नहीं आए थे, और 2 बार समन्स किया गया, लेकिन समन्स को डिनाई करते हुए इन्होंने खुद से समय तय किया कि मैं 7 अगस्त को आऊंगा। और इस बात को लेकर ईडी को ऐसा लगता है कि जो भी कागज है या भी कागजात को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर और भी पूछताछ में कठिनाई हो सकती है, इसलिए इन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। तो आज ईडी की टीम आई है, देखना होगा कि आगे क्या पूछताछ होती है या फिर इन्हें हिरासत में लेती गई। ठीक है अखिलेश, आप नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सुबह 6:30 बजे शिवसेना के सांसद संजय राउत के घर पर मुंबई में ईडी की टीम पहुंची है और कहा जा रहा है कि उनसे पूछताछ होगी चौल घोटाला मामले में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि हिरासत में भी ले सकती है ईडी आगे की पूछताछ के लिए। हालांकि इस बीच जानकारी यह भी कि 7 अगस्त का समय मांगा था संजय राउत ने ईडी से और कहा था कि मैं खुद हाजिर होऊंगा पूछताछ के लिए, लेकिन उससे पहले ईडी की टीम ने दबिश दी है संजय राउत के घर पर। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी नाइन पर, अभी डाउनलोड करें।